इंडिया गठबंधन को लगे दो बड़े झटके, जहां एक तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी अब पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता। सर, इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये तो होना ही था, कुनबा है, भानुमति का कुनबा है, कहां ईट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। बिना विचार के जो गठबंधन बनता है, देशव्यापीकरण लोकव्यापीकरण जिसके डीएनए में नहीं होता है, केवल सत्ता ही डीएनए में होती है, वो बंदर बांट आज पहले ही झगड़े हो गए। जनता जानती है उसके बाद में किस तरह के सिर फुटावल इनके होने वाली है। जनता इनको कभी वोट नहीं देगी। ममता ने अपना ममत्व समाप्त कर दिया सीटों को लेकर, अरविंद केजरीवाल ने किनारा कर लिया। मुझे तो लगता है कि अब सारे के सारे गठबंधन के दल आपस में एक गाना गाएंगे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम सब। सर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह तो लगातार पराजय के बाद इस तरह का स्यापा करते रहे, विधवा विलाप करते रहे। मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह को जनता के बीच में जो जनाधार कम हुआ है कांग्रेस का, उस पर विचार और चिंतन करना चाहिए। और ज्यादा अगर उनको इसके लिए समय न हो तो मैं एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में क्या आई, जिस तरह बुरी तरह पराजित दो अंकों में कांग्रेस सिमट गई थी, उसकी भी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। जहां जीतते वहां ईवीएम पर निशाना नहीं साधते, कर्नाटक में, हिमाचल में या तेलंगाना में, जहां हारते हैं वहां ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। और ईवीएम का टेक्निकल डेमो ये चुनाव आयोग कई बार दे चुका है, सारे दलों को बुलाया था, तब उसमें हैकिंग फेकिंग जो होता है वो बताना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट को ले जाना चाहिए। अब जनता के बीच में बचा के क्या हो जाएगा? जनता का जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो प्रकट होता है। वो इस तरह से फर्जी डेमो से नहीं चलता, वो इस तरह से नहीं चलता कि आप किसी के वोट का अपहरण कर लेंगे। ये लोकतंत्र है भाई, सबकी नजर में सब कुछ है। और ये सारे जितने कर्मचारी है वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है कि किसी को ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ करेगा और वो सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये सब फिजूल की बातें हैं, ध्यान भटकाने का प्रयास है। वो खुद भटक गए हैं, उनको सही रास्ते पर खुद आना चाहिए। वाम मार्गी हैं, उनको वास्तव में राइट जगह पर राइट काम करना चाहिए और जनता के बीच में अपनी कोई साख को अर्जित करना चाहिए।